अमृत महोत्सव मनाया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों से होती हुई आरपीएफ बाइक रैली व बैंड टीम कन्नौज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां आरपीएफ थाना प्रभारी ओपी मीणा ने स्टाफ के साथ पुष्प गुच्छ देकर व माला पहनाकर रैली का जोरदार स्वागत किया। वहीं आरपीएफ बैंड ने स्टेशन परिसर में देशभक्ति की धुन बजाकर कन्नौज वासियों को व यात्रियों का मन मोह लिया। बताते चले कि देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको साकार करते हुए आरपीएफ ने बाइक रैली निकाली और रेलवे इज्जत नगर मंडल बरेली के मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत व बैंड एलईडी मॉनिटर को हरी झंडी दिखाकर इज्जत नगर बरेली स्टेशन से रवाना किया। यह टीम इज्जत नगर के लालकुआ, काठगोदाम, रुद्रपुर, बदायूं, कासगंज, मथुरा, फर्रुखाबाद सभी छोटे बड़े स्टेशनों से होते हुए कन्नौज पहुंची। टीम द्वारा आम जनमानस को आरपीएफ रेलवे की उपलब्धि बताते हुए देश की आजादी में सर्वोच्च नौछावर करने वाले वीर शहीदों की गाथाएं बताकर जागरूक किया और टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक वेदपाल द्वारा किया गया। रामरज राजपूत, कन्नौज, समाचार 24। नाम है भाई साहब? वेदपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर इज्जत नगर। यह अमृत महोत्सव का प्रोग्राम वरिष्ठ कमांडेंट श्री ऋषि पांडे इज्जत नगर के निर्देशन में मनाया जा रहा है और हम लोग अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की जनता को, देश के नौजवानों को देशभक्ति की भावना उत्तेजित करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? हम लोग इज्जत नगर से काठगोदाम, काठगोदाम से लालकुआ, रुद्रपुर और इज्जत नगर होते हुए बदायूं, बदायूं से कासगंज, हाथरस, मथुरा, मथुरा से फर्रुखाबाद, कायमगंज, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ होते हुए कन्नौज पहुंचे। फर्रुखाबाद में दो ढकेल वालों के बीच में